हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको आप उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसकी यूपीएचडब्ल्यू की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। यूपीएचडब्ल्यू यानी उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें बीटेक, एमटेक, एमफार्मा, एम आर्किटेक्चर, बी आर्किटेक्चर, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। तो इनमें से कुछ कोर्सेज की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, यानी आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएंगे और कॉलेज को चूज़ करते हैं। वहीं पे कुछ कोर्सेज की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, यानी आप घर बैठे कहीं पर भी बैठे हों, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप upsc.nic.in के वेबसाइट का यूज़ करके ऑनलाइन घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं, कॉलेज चूज कर सकते हैं। और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आप फिजिकली रिपोर्ट करते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में। तो यूपीएचडब्ल्यू की काउंसलिंग में एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको तीन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल। जी हाँ, यूपीएचडब्ल्यू की काउंसलिंग में आपको तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, फ्रीज, फ्लोट या विड्रॉल। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कब चूज़ करें फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल और क्या चूज़ करें, मीन्स फ्रीज चूज़ करना है या फिर फ्लोट चूज़ करना है या फिर विड्रॉल चूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कब आता है ये स्टेज, यानी फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल का ऑप्शन कब आपके पास आएगा? तो काउंसलिंग का प्रोसेस जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसलिंग के लिए, उसके बाद फिर आप पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना कॉलेज लॉक करें अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। और जब आप कॉलेज चूज़ कर लेते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉट करती है आपके प्रेफरेंस और आपके रैंक के बेसिस पे। तो जब आपके रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे यूपीसी आपको सीट अलॉट कर देती है काउंसलिंग में, उसके बाद ऑप्शंस मिलते हैं स्टूडेंट्स को कि वो या तो फ्रीज ऑप्शन चूज़ करें या फिर फ्लोट ऑप्शन चूज़ करें या फिर विड्रॉल ऑप्शन चूज़ करें। ध्यान रहे कि सीट अलॉटमेंट के बाद, यानी आपने कॉलेज चूज़ कर लिया कि आपको सपोज़ कि आपने 10 कॉलेज चूज़ कर लिया, 10 में से आपने प्रेफरेंस बना दिया कि पहले ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको आपके रैंकिंग के बेसिस पे और आपके चॉइस के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट कर देगी। अब अलॉट करने के बाद, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो या तो फ्रीज करें या तो फ्लोट करें या तो विड्रॉल करें। तो फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल क्या है, आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो कब चूज करना है फ्रीज ऑप्शन? फ्रीज मीन्स किसी चीज को जमा देना, यानी कि कंफर्म कर देना। तो सबसे पहले चीज़ कि कॉलेज चूज़ करने के बाद AKTU आपके रैंक और कैटेगरी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर देगी, यानी आपकी रैंक जो भी है, आपका जो भी कैटेगरी है या फिर सब कैटेगरी है, उसके बेसिस पे आपने जो कॉलेज चूज़ किया है उसको आपको अलॉट कर देगी। अब अगर आप AKTU से अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जो भी आपके प्रेफरेंस और आपके रैंक और आपकी कैटेगरी के बेसिस पे जो भी AKTU ने कॉलेज आपको अलॉट किया है, आप उससे खुश हैं और आप उसमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन चूज़ करेंगे। जी हाँ, ध्यान रहे कि अगर आप AKTU से अलॉटेड कॉलेज से खुश हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि जो कॉलेज आपको AKTU ने अलॉट किया है, तो फिर आप फ्रीज ऑप्शन का चूज़ करेंगे। और याद रहे कि आपने अगर फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कर दिया तो उसके बाद आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यानी आपने आपका जिस राउंड में भी हुआ है उस राउंड में आपने फ्रीज ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका कोई पैसा रिफंड होगा। जो आपने काउंसलिंग की फ़ीस जमा की होगी पूरी की पूरी जमा हो जाएगी और आपको एडमिशन लेना ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ्लोट ऑप्शन। तो कब चूज करना है फ्लोट ऑप्शन? तो फ्लोट ऑप्शन क्या है, फ्लोट में तैरना, यानी कि अगर आप AKTU से अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, सपोज करिए आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड में आपने प्रेफरेंस डाली और आपके रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके चॉइस के बेसिस पे AKTU ने आपको ऐसा कॉलेज अलॉट किया जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरे राउंड में दोबारा ट्राई करना चाह रहे हैं कि चलिए फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो हम दूसरे राउंड में कोई अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में और आप काउंसलिंग के अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप फ्लोट ऑप्शन का फ्लोट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। ओके, याद रहे कि अगर आप AKTU से अलॉटेड कॉलेज में खुश नहीं हैं और आगे और भी राउंड्स हैं,
तो फिर आपको फ्लोट ऑप्शन चूज करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट राउंड चल रहा हो उसके उसमें भी आपने फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि लास्ट राउंड चला तो आगे तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा। तो सपोज करें कि 3 राउंड है, आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ आप उससे खुश नहीं है, तो फिर आप अगर और आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको फ्लोट ऑप्शन चूज करना है, फ्रीज ऑप्शन चूज नहीं करना है। और फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। फ्लोट करने के बाद आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पे फिर जो कॉलेजेस में श्रेष्ठ बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा चांस मिल सकता है। हो सकता है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो, पहले राउंड में बच्चों ने सीट छोड़ दी तो आपको गवर्नमेंट मिलने के भी चांस हो जाते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स फ्लोट ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि सपोज करिए कि आपको कोई भी कॉलेज समझ ही नहीं आता। अगर आप AKTU से अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि AKTU से एफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, दूसरे राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट किया फिर भी कॉलेज अच्छा मिला, और लास्ट राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया फिर भी आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो उस केस में क्या करना है? तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तब आपको विड्रॉल ऑप्शन चूज़ करना है। विड्रॉल मीन्स जाहिर सी बात है कि आप उसको छोड़ देते हैं, यानी वो काउंसलिंग आप छोड़ देते हैं कि नहीं हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो अब हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और हम काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? विड्रॉल ऑप्शन का चूज़ करना है। विड्रॉल ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, कुछ केसेस में पैसे कट करके आपको वापस हो जाते हैं, बट फ्रीज या फ्लोट में आपको पैसे वापस नहीं होंगे, बट विड्रॉल के केस में आपको पैसे वापस हो जाते हैं। कुछ अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कट करके आपको पैसे वापस हो जाएंगे जो भी आपने काउंसलिंग फीस जमा की होती है। तो याद रहे, फ्रीज ऑप्शन जब अलॉटेड कॉलेज से आप खुश हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फ्रीज ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप अलॉटेड कॉलेज से खुश नहीं हैं और आगे और भी राउंड्स हैं तो आपको फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, आपको जो कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पाया, तो फिर आप विड्रॉल ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग में फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल कब चूज़ करना है और क्या चूज़ करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।